नमस्कार, पुनः आपके समक्ष एक और सूचना इन्फॉर्मेशन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आई है। साउथ भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टेट है कर्नाटका, यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। पीएचडी की इन्फॉर्मेशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, खासकर उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने यूजी और पीजी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में अप्लीकेशन फॉर्म भरा था, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए 29 नवंबर सुबह 9 बजे तक लॉगिन पोर्टल को, या कहे रजिस्ट्रेशन पोर्टल को, फिर से कर दिया गया है ओपन। यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है या फिर सीयूसेट के अंतर्गत आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जाइए वहाँ रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, अपने स्कोर कार्ड को अपलोड कर दीजिए और उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है स्टार्ट 30 नवंबर से, तो उससे पहले कर दीजिए रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर 2021 सुबह 9 बजे तक। इस बात का ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक, पीडीएफ फाइल का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आते हैं अपने विषय पीएचडी का। पीएचडी के लिए मांगे गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए। पीएचडी का फॉर्म कैसे भरना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक 20 पेज का पीडीएफ फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जाइए उसको ध्यान से समझिए, देखिए, पढ़िए और उसके बाद कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और किस फॉर्मेट से आपको अपलोड करने हैं, क्या फॉर्मेट रखा है जरूरी डॉक्यूमेंट्स का, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे प्रॉस्पेक्टर में या इस वीडियो में तय करना है आपको, ठीक है। जरूरी डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है, उसको मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ मोटा मोटा एक दो लाइन में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप आते हैं, उसका एक फॉर्मेट है भारत सरकार का और यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी, कर्नाटका का भी, उसको देख लीजिएगा। उसका प्रिंटआउट नॉर्मल पेज पे निकालना है या एफिडेविट पे निकालना है, इसका कंसल्टेशन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी में आते हैं, उसका भी एक फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, उसको भी कैसे निकालना है और फिलअप करने के बाद आपको उसको स्कैन करके अपलोड भी करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे भी एक एनेक्चर 4 का सर्टिफिकेट है, उसको निकाल लेंगे। पीडब्ल्यूडी के बच्चे भी एक सर्टिफिकेट को निकाल लेंगे। साथ साथ एक और चीज़, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं और फीमेल हैं, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या फीमेल हैं या फिर कश्मीरी पंडित हैं, उसका भी एक अलग सर्टिफिकेट है एनेक्चर 5 में, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं। सभी को नहीं लगाना है, यदि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, अनमैरिड हैं, फीमेल हैं या कश्मीरी पंडित हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अलग से, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त भरने के फॉर्म का प्रिंटआउट निकालिएगा, फिलअप कीजिएगा, स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। एक और चीज़, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है इन्फॉर्मेशन के चक्कर में मैं भूल जाऊँ चीज़ों को, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिक्कत आएगी कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कम रह गया, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साउथ की यूनिवर्सिटियाँ हों या फिर नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियाँ हों, बहुत सख्त होती हैं फॉर्म की जाँच पड़ताल करने के मामले में। हो सकता है मध्य भारत या उत्तर भारत में इतना जाँच पड़ताल नहीं होती है फॉर्म की, आए दिन घोटाले होते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और साउथ भारत में फॉर्म की जाँच बहुत बारीकी से होती है, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट आपका ना छूट जाए, ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं उसके उस कैटेगरी में यदि आप आते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका, या आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है, या आपके पास आपका ईडब्ल्यूएस का या पीएच का सर्टिफिकेट नहीं है, उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी को आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म फिलअप करके देना होगा, उसको भी स्कैन करके लगाना होगा, उसका भी एक फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी ने दिया है और उसका भी प्रिंट का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा CLC, TC और माइग्रेशन के लिए भी आपको अंडरटेकिंग देना होगा, यदि नहीं है डॉक्यूमेंट, और यदि है तो स्कैन करके उसको लगा दीजिएगा। ये सभी डॉक्यूमेंट एक PDF फाइल में, 10 पेज का PDF है, वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलते हैं अपने मुख्य कंटेंट पे। रजिस्ट्रेशन फीस, उसको सुन लीजिए पहले। जो बच्चे एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं और अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका PhD में, उनको 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, पीएच में हो या एससी एसटी में हो, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको देने हैं 250 यानी के 250 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस। और जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड विथ क्रीमी लेयर
और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 500 रुपए की फीस देनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में है उसको 250 रुपए ही देने हैं, यानी कि 250 रुपीज देने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम योग्यताओं की बात करेंगे। 22 नवंबर को फॉर्म आ गया है वेबसाइट पर, 26 नवंबर को वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, संविधान दिवस की बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। करेंगे शाम को या रात में लाइव, जुड़े रहिएगा, अपने सवालों को भेज दीजिएगा। कहाँ थे, हाँ 21 दिसंबर 2021 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की पीएचडी के लिए। 22 दिसंबर को आपके फॉर्म की जांच पड़ताल होने के बाद वेबसाइट पर एक लिस्ट डाली जाएगी। उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो ही आप पीएचडी के लिए एप्लीकेंट हैं, ये कंफर्म माना जाएगा। यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, जो भी आपकी योग्यताएं थी, उसके अनुसार आप एप्लीकेशन फॉर्म में सिलेक्टेड है या नहीं है उसकी जांच हो जाएगी। और 22 दिसंबर को जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आता है तो ही समझिएगा कि आपका पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो उसमें रीजन दिया गया होगा कि आपका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया है, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, उससे इसमें जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि आप 100% योग्य थे, लेकिन जो 22 दिसंबर की लिस्ट आई एलिजिबल कैंडिडेट की, उसमें आपका नाम नहीं है, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं ग्रीवेंस सेल में 22 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में। 27 और 28 दिसंबर को होगा आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, और 29 दिसंबर को इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाएगा, और 30 दिसंबर तक आपको पेमेंट कर देनी है, और 3 से लेकर 5 जनवरी के बीच में आपकी कक्षाएं हो जाएंगी स्टार्ट। लास्ट की तीन डेटों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 3 से लेकर 5 जनवरी के बीच में 2022 में आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, 30 जनवरी तक आपको फीस पेमेंट कर देनी है, और 29 दिसंबर को आप सिलेक्ट हुए हैं पीएचडी के लिए नहीं हुए हैं, आपका लिस्ट आ जाएगी। एक चीज मैंने छोड़ी भी नहीं, ना ही भूला हूं, वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही आपको देना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं ना, एंट्रेंस के बेस पर नहीं आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। और इसे डायरेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं चाहिए आपको, और यदि वो विशेष योग्यताएं आपके पास हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं अगले 3 मिनटों में, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं आप मन में सोचिए, और उसके साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए कि किस किस सब्जेक्ट में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, सीट कितनी है वो नहीं मालूम है। ठीक है, तो कमेंट करके मत पूछिएगा कि सीटें कितनी है। उससे पहले जो भी एक 100 नंबर का क्राइटेरिया होता है उसको यूनिवर्सिटी ने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको भी सुन लीजिए। यदि आप हाँ इंटरव्यू के इसमें 20 नंबर रखे गए हैं, ठीक है, अपना इंटरव्यू प्रेजेंट कैसे करते हैं आप, उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है 20 में से 15 मिले 16 मिले, वो आपके ऊपर है, आपकी प्रेजेंटेशन आपकी शैली के ऊपर है। 20 नंबर का इंटरव्यू है, 10 नंबर का प्रेजेंटेशन है, ये हो गए 30। और हाँ ऑनलाइन होगा इंटरव्यू, आपको जाना नहीं यूनिवर्सिटी, 10 नंबर आपको एकेडमिक के दिए जाएंगे, और इसको भी 3 पार्ट में यूनिवर्सिटी ने बांटा। यदि पीजी के स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके 80% या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं तो आपको 8-10 नंबर दिए जाएंगे, 8-10 नंबर। यदि आपके 60 से लेकर 79% के बीच में अंक आए हैं पीजी में तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आपके 55 से लेकर 59% के बीच में अंक आए हैं तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आपके 50 से लेकर 54% के बीच में अंक आए हैं तो सोचिएगा कितने नंबर मिल सकते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, और यदि आप JRF क्वालिफाई हैं, और JRF कई प्रकार का होता है, ठीक है, JRF कई प्रकार का होता है, मैं देख लूँ नहीं तो एक गलती से आप मेरा गला पकड़ मारेंगे। हाँ JRF का देख लीजिए, JRF इसमें मांगा गया है, JRF के मिलेंगे 10 नंबर। ठीक है, JRF यदि आपका CSIR का है, DBT का है, ICMR का है, या फिर ICSSR का, यदि इन चारों ही परीक्षाओं में से आप में से किसी एक में या एक से ज़्यादा में JRF अप्लाई किया हो चुका है तो एक का ही लगाइएगा, इसके आपको मिलेंगे नंबर। ठीक है, इसके अलावा यदि आप गेट क्वालिफाई हैं, UGC नेट या फिर CSIR नेट क्वालिफाई हैं, या फिर आप
डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप प्राप्त होल्डर है। यदि आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर, ये तकनीकी स्तर की डिफेंस की होती है स्कॉलरशिप फेलोशिप, आप सभी जानते हैं, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यदि आप किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के स्पॉन्सर फेलोशिप होल्डर हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो पीजी में 45% नंबर लेकर आए हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। 45 नहीं, 55% नंबर होने चाहिए। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी हैं और कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप यदि 50% नंबर लेकर आए हैं पीजी के स्तर पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस को 55% नंबर चाहिए, ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर को 55% नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी वालों को 55% नंबर चाहिए पीजी के स्तर पे पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमफिल वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो मैं आपको यदि आप एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की सुविधा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हम नंबरों पे थे। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, जो मैंने आपको बताया डीबीटी का, आईसीएमआर का, आईसीएआर का और आईसीसीआर का, तो आपको 50 नंबर का वेटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप गेट क्वालिफाई हैं और नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 40 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। मैं 100 का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है, 100 नंबरों का। और यदि आप एक जो मैंने इंस्पायर फेलोशिप बताई थी अदर फेलोशिप, उसका आपको 45 नंबर दिया जाएगा। जेआरएफ वालों को 50 और नेट वालों को 40 और जो अदर फेलोशिप है उनके लिए 45 नंबर क्राइटेरिया है। और 80% पे 10 नंबर, 60% पे 8 नंबर और 60 से कम पे 6 नंबर क्राइटेरिया बताया है। इंटरव्यू का आपको इसमें मैंने आपको बताया है 20 नंबर, प्रेजेंटेशन का 10 नंबर, टोटल आपका 100 नंबर क्राइटेरिया है। आप कितना लेकर आ पाते हैं ये आपको तय करना है। हिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट, लॉ और ये है आपका ट्राइबल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजुअल आर्ट और म्यूजिक में तबला है और वोकल है, अलग अलग है, स्पेनिश लैंग्वेज है, अरबिक है और मीडिया स्टडीज़ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लिंग्विस्टिक है, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल वर्क, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कर्नाटका और हिंदी, इन विषयों में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। एक विषय या एक से ज़्यादा विषय में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या, कोई बाधा की बात नहीं है। और यदि आप पीएचडी कर रहे हैं और यदि आपका कोर्स वर्क 55% के साथ हो चुका है, अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी में डायरेक्ट। एमए का मैंने बता दिया है, पीजी का पास होना चाहिए, किसी पेपर में बैक है मत भरिएगा। यदि आपका बीएससी है, बीकॉम है या यदि आपका एमएससी है, एमकॉम है या एमए है और आपका यदि किसी पेपर में बैक है, अप्लाई मत कीजिएगा। लेकिन यदि आपका एमएससी, एमकॉम या एमए का अंतिम सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, चाहे मेल सुन रहे हैं मेरी बात को या फीमेल सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, कौन से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्म को, उसको भी सुन लीजिए। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, आपका नेट क्वालिफाई नहीं है, यदि आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर नहीं है, अप्लाई मत कीजिएगा इन सब के, इन सब बच्चे। यदि आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है, हाँ सेट 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 सेट, यदि आपने सेट क्वालिफाई किया है, होता ना कि सेट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यदि आपने सेट क्वालिफाई किया है ना तो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हाँ ये सब देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। और 21 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। फीस आपको समझा दी गई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए हैं, पीडीएफ फाइल का लिंक आपको दे दिया जाएगा, सीटें नहीं बताई गई हैं, यूजी पीजी के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, 29 नवंबर तक स्टार्ट कर दिया गया है। पीएचडी में एंट्रेंस होना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट सीट है, कौन अप्लाई नहीं करेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज का एरिया नहीं दिया गया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पीएचडी के लिए भी एज का क्राइटेरिया है और एक नया नॉर्म्स आया है। यदि आपकी उम्र 35 या उससे ज़्यादा है तो आप स्कॉलरशिप या फेलोशिप के हकदार नहीं होंगे, ऐसा भी कोई ऐसा नॉर्म्स है,
एनईपी के अंतर्गत, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक सेंट्रल में, उसमें ये एज वाला नॉर्म्स मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये दुरुस्त नहीं हूँ कि यदि आप 36 के हैं 37 के हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका कंसल्टेशन आपको यूनिवर्सिटी, यूजीसी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही दे सकता है, मेरे पास इस विषय में जानकारी नहीं है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन, बकवास हो गई समाप्त, न्यूज़ हो गई समाप्त। अपने सवालों को, अपने कमेंट को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने डिसलाइक को मेरे तक लाइक मत दीजिएगा, लाइक नहीं चाहिए मुझे, डिसलाइक दीजिएगा और अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे पुनः समक्ष। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस संविधान को फॉलो करते हैं, धर्म को भी कीजिए, लेकिन धर्म से बड़ा होता है देश और देश चलता है संविधान से, ऐसा मुझे लगता है। तो पुनः आपको उसकी शुभकामनाएं। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भर दीजिए और यूजीसी नेट की परीक्षाओं को देते रहिए। जय हिंद।